नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की पहली पसंद क्रिक इन्फो इंडिया। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई क्रिकेट की बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीसीसीआई खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोगों के लिए एक आइसोलेशन कैंप की शुरुआत करना चाहती है, जिसके लिए बोर्ड सेफ जोन की तलाश में जुटा हुआ है। बीसीसीआई चाहती है कि कोई ऐसी सुरक्षित जगह सरकार से मिले जहां 2 महीनों से घरों में बैठे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने का मौका मिले। बेंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं जरूर है, लेकिन वहां कोरोना वायरस का काफी प्रकोप है। ऐसे में बोर्ड का विचार है कि खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य लोगों को जिनमें कैटरिंग, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग शामिल है, उनके लिए क्वारंटाइन और सैनिटाइज वातावरण मिल सके, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षित माना जाएगा। अगली खबर, कोरोना वायरस महामारी का असर क्रिकेट की दुनिया पर काफी पड़ा है। मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद से दुनिया भर में कोई भी मैच नहीं खेला गया। इसी बीच कोरोना वायरस महामारी की चपेट में 3 और इंटरनेशनल सीरीज आ गई है, जिनका असर 4 देशों पर पड़ने वाला है। दरअसल आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 3 अपकमिंग सीरीजों को स्थगित करने का फैसला किया है। आयरलैंड को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वनडे और T20 सीरीजों में भाग लेना था। इनमें से 2 देशों को आयरलैंड में खेलना था, जबकि आयरलैंड को इंग्लैंड में खेलने के लिए जाना था। हालांकि इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच अभी वनडे सीरीज को लेकर बात चल रही है, और T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले पाकिस्तान के लिए दौरा काफी अहम था। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA की दिसंबर में हुई वार्षिक आम सभा में हाथापाई करने वाले DDCA के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा को लोकपाल दीपक वर्मा ने तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। DDCA के लोकपाल दीपक वर्मा ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मनचंदा को वीडियो में साफ तौर पर हाथापाई करते देखा जा सकता है, ये क्रिकेट के हितों के खिलाफ है। इनके जैसा कोई शख्स क्रिकेट में नहीं जुड़ा होना चाहिए। भले ही उनका कार्यकाल अभी 1.5 साल बचा हो, लेकिन इन्हें पद से तुरंत बर्खास्त किया जाता है। लोकपाल दीपक वर्मा ने कहा कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीतकर आ जाते हैं और गलत हरकतें करते हैं। मनचंदा को तब तक बर्खास्त किया जाता है जब तक DDCA के 4300 सदस्य उन्हें माफ नहीं कर देते हैं। अगली खबर धोनी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल के बाद एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। ऐसे में उनके रिटायरमेंट को लेकर बातें होती रहती है। जब जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाता है तो हर एक भारतीय इमोशनल हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो धोनी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, ये वो शख्स है जिसने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब दिलाए हैं। सच कहा जाए तो धोनी को लेकर भारतीय इसलिए भी जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि हर छोटे शहर के भारतीय को उनके अंदर एक उम्मीद नजर आती है। इसी वजह से जब जब धोनी के रिटायरमेंट पर बात होती है तो हर कोई भावुक हो जाता है। ऐसे में अब धोनी के भविष्य को लेकर पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रसाद ने धोनी की टीम इंडिया में वापसी का समर्थन करते हुए कहा कि वैसे तो धोनी 40 साल के होने वाले हैं और उन्होंने पिछले साल से किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेला है, फिर भी उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए काम आ सकता है। इसके साथ ही प्रसाद ने टीम मैनेजमेंट को सलाह देते हुए कहा कि धोनी को अब एक फिनिशर के तौर पर न खिलाकर नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करानी चाहिए। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।